आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर में नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम क्यों आता है। कई बार हम अपने सीपीयू को ऑन करते हैं मगर मॉनिटर में नो सिग्नल का मैसेज शो करता है। आज हम जानेंगे कि आपके कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम क्यों आता है, साथ ही हम जानेंगे कि आप अपने कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करेंगे। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू कंप्यूटर लिंक में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा कंप्यूटर है, मैं इस कंप्यूटर को ऑन करता हूँ। सीपीयू ऑन हो चुका है मगर मॉनिटर में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। अब मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ। अब हम अपने सीपीयू को चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम ज़्यादातर रैम की वजह से आती है, तो मैं भी इस सिस्टम का सबसे पहले रैम चेक कर लेता हूँ। कई बार हमारे मदरबोर्ड में जो रैम लगा होता है उसमें मॉइस्चर या कार्बन आ जाने की वजह से हमारे सीपीयू का डिस्प्ले नहीं आता। मैं अपने मदरबोर्ड में लगे रैम को रिमूव कर लेता हूँ। रैम को मदरबोर्ड से रिमूव करने के लिए रैम के जो दोनों साइड में क्लिप लगा हुआ है उसे प्रेस करेंगे। रैम हमारा ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। रैम में जो ये गोल्डन एरिया होता है इसे हम क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए आप रबर या इरेजर का यूज कर सकते हैं। इरेजर से आप इस तरह अपने रैम को साफ कर ले। साथ ही रैम स्लॉट को ब्रश की मदद से साफ कर ले ताकि आपके रैम स्लॉट से सभी डस्ट साफ हो जाए। अब हम अपने रैम को अपने मदरबोर्ड में सेट कर लेते हैं। रैम को मदरबोर्ड में सेट करते वक्त ध्यान रखें, रैम के बीच में एक कट होता है, उस कट को मदरबोर्ड से मैच कराकर ही रैम को मदरबोर्ड में सेट करें। रैम के दोनों साइड में एक क्लिप होता है उसे अच्छी तरह टाइट कर लें। अब हम अपने सीपीयू को ऑन करके चेक कर लेते हैं। हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है, मॉनिटर में भी डिस्प्ले आने लगा है। ज़्यादातर नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम रैम के वजह से ही होती है। अगर आप अपने सीपीयू के रैम में लगे कार्बन को साफ करके अपने मदरबोर्ड में सेट कर चुके हैं उसके बावजूद आपके सीपीयू का डिस्प्ले नहीं आता तो हो सकता है ये प्रॉब्लम मदरबोर्ड से हो। तो इसी तरह आप अपने कंप्यूटर के नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।